हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मजहब रास्ते बंद करने और लोगों को तकलीफ देने का कहता है। धरने में इस्तेमाल होने वाली जबान की इजाजत कौन सी शरीयत देती है? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम, फैजाबाद धरने पर आज खुद नोटिस ले लिया। बताया जाए कि आवाम के बुनियादी हकूक के लिए क्या इकदाम किए, अदालत के रिमांड। सेक्रेटरी दिफा और दाखिला से तफसीली रिपोर्ट भी तलब। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। जो अफवाज है हमारे स्क्रीन लीडरशिप है उनसे रब्ता किया जाए। कानूनी आइनी एक अख्तियार भी है कि उनको बुलाया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है और इस तरीके को डायलॉग के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाए। धरने से कैसे निपटा जाए, खुर्शीद शाह ने बता दिया। हुकूमत को अस्करी इदारों से मदद लेने की तजवीज दे दी। कहा फौज को बुलाना हुकूमत का आइनी इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वजीर कानून के इस्तीफे के मामले पर तहरीके लब्बैक के रहनुमा और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक आज भी बरकरार। फैजाबाद में धरना जारी, रास्ते बंद होने से आवाम की मुश्किलात कम न हुई। फैजाबाद धरने की हिमायत में कराची में नुमाइश चौरंगी पर फिर धरना। सदर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। जाहिद हामिद को वजारत से हटाने पर कयामत नहीं आ जाएगी। उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो हुकूमत जाएगी, धरने वाले नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। यानी फोर्स इस्तेमाल करने का, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने का, तो इसका बहुत बुरे अंजाम होंगे। अब ये इन्हीं पर मुनहसर है कि ये इसको कितनी जल्दी करते हैं। एक जाहिद हामिद को अगर ये अलहदा कर देंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी नाअहल कराने के लिए अपोजिशन तैयार। बिल आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। कौमी असेंबली का इजलास शाम 4 बजे होगा। कौमी असेंबली से बिल मंजूर कराने के लिए अपोजिशन का गठजोड़, पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास आज होगा। नून लीग भी जवाबी हिकमत अमली के लिए तैयार। वजीर आजम ने जोहराने पर पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास तलब कर लिया। असासा जात रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने इसाक डार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। इसाक डार की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। दिल की एक शरियान दुरुस्त काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने 27 नवंबर को मुआयने के लिए बुला लिया है। रिपोर्ट का मतन, नए प्रोसिक्यूटर की इसाक डार को इश्तहारी करार देने की इस्तदा। मेरे खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा मुहिम के मंसूबा साज अपना वक्त और तवानाही किसी और काम में सर्व करें। ख्वाजा साद रफी का ट्वीट, कहा वो ना मुश्तइल होंगे और ना ही खामोश। इस्लामाबाद में सी पैक की वजारती कमेटी का इजलास। चारों सूबों और आजाद कश्मीर के नुमाइंदे और चीनी हुकाम भी शरीक। आजम शाहिद खाकान अबासी और चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। शाहिद खाकान अबासी कहते हैं चीन पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त है, खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक का नुक्ता नजर एक है। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। 16 गैर मुल्कियों समेत 18 अफराद बाजियाब। कार्रवाई में 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असला बरामद। और जवानों को तुर्बत भिजवाने वाला एक और स्मगलर गुजरात से गिरफ्तार। जेर हिरासत मुलजमान की तादाद 9 हो गई।
सौरंगी में ऑयल टैंकर घर में घुस गया, खातून जाबाक और 7 अफराद जख्मी, ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बेहंगम खुदाई पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, सारा शहर गंदगी में बदल दिया है, कराची का क्या बनेगा, क्या हर वक्त खुदा रहेगा। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत तो काम ही नहीं करती, नतीजा क्या निकलेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी, हिंदवाड़ा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। जिम्बाब्वे की हुक्मरान जमात अफ्रीकन नेशनल यूनियन आज पार्लियामेंट में सदर रॉबर्ट मुगाबे के मुआखजे की करारदाद पेश करेगी, तहरीक की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार, सदर मुगाबे इस्तीफा देने से इंकारी हैं, मुगाबे के खिलाफ तलबा भी सड़कों पर निकल आए। मुकीम रोहंग्या मुसलमान बुनियादी जरूरियात से महरूम है, हर 4 में से 1 बच्चा गजाई की लत का शिकार है, तर्जुमान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बांग्लादेशी कंपनियों में 8 लाख रोहंग्या मुसलमान मुकीम है। अमरीका ने शुमाली कोरिया को दहशतगर्दी की मुआवनत करने वाली रियासत करार दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप का मजीद पाबंदियां लगाने का भी ऐलान, कहा यह कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अक़वामे मुत्तहिदा में शुमाली कोरियन मंदूक का कहना है कि वो हर तरह की पाबंदियों के लिए तैयार है, एटमी प्रोग्राम तर्क करने का सोच भी नहीं सकते। में रूसी सिफारतखाने पर मार्टर गोलों से हमला, इमारत की बैरूनी दीवार, बिजली और पानी का निजाम तबाह। बरतानवी जज क्रिस्टोफर ग्रीन आलमी अदालत इंसाफ से दस्तबरदार, भारतीय जज दलवीर भंडारी दूसरी बार जज मुंतखब, पहली मरतबा बरतानवी की आलमी अदालत इंसाफ में नुमाइंदगी नहीं होगी। अफगान सूबे हेलमंद में अमरीकी और अफगान फिजाइया की कार्रवाइयां, अफ्यून तैयार करने वाली लेबोरेटरियों समेत 10 ठिकाने तबाह, F-16 B-52 बम्बार और पहली बार USF-22 तैयारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आठ खवातीन का अमरीकी टीवी मेजबान चार्ली रोज पर जिंसी तौर पर हिरासत करने का इल्जाम, नामुनासिब रवैये पर टीवी मेजबान की माजरत, चार्ली रोज को नौकरी से निकाल दिया गया। बहरे ओकियानूस में अर्जेंटाइन की लापता आबदोज का सुराग, 7वें रोज भी ना मिल सका, आबदोज में सिर्फ 2 रोज की ऑक्सीजन बाकी रह गई है, आबदोज में बहरिया के 44 अहलकार सवार हैं। तफरी ख्वाजा सराओं का भी हक, महकमा सियाहत और सकाफत के खर्च पर सफारी ट्रेन में ख्वाजा सराओं का सैर सपाटा, पेशावर से अटक तक सैर। हुकूमत को अस्करी इदारों से मदद लेने की तजवीज दे दी, कहा फौज को बुलाना हुकूमत का आईनी इख्तियार है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वजीर कानून के इस्तीफे के मामले पर तहरीके लब्बैक के रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक आज भी बरकरार, फैजाबाद में धरना जारी, रास्ते बंद होने से आवाम की मुश्किलात कम ना हुई। फैजाबाद धरने की हिमायत में कराची में नुमाइश चौरंगी पर फिर धरना, सदर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। जाहिद हामिद को वजारत से हटाने पर कयामत नहीं आ जाएगी, उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो हुकूमत जाएगी, धरने वाले नहीं जाएंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा की आज दूसरे गुफ्तगु। यानी फोर्स इस्तेमाल करने का, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने का, तो इसका बहुत बुरे अंजाम होंगे। अब ये इन्हीं पर मुनसर है कि ये इसको कितनी जल्दी करते हैं, एक जाहिद हामिद को अगर ये अलहदा कर देंगे तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी नाअहल कराने के लिए अपोजिशन तैयार, बिल आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा, बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका, कौमी असेंबली का इजलास 4 बजे होगा।
कौमी असेंबली से बिल मंजूर कराने के लिए अपोजिशन का गठजोड़, पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास आज होगा। नून लीग भी जवाबी हिकमत अमली के लिए तैयार। वजीर आजम ने दोहराने पर पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास तलब कर लिया। असासा जात रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने इसाकदार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। इसाकदार की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। दिल की एक शरियान दुरुस्त काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने 27 नवंबर को मुआयने के लिए बुला लिया है। रिपोर्ट का मतन नए प्रोसिक्यूटर की इसाकदार को इश्तहारी करार देने की इस्तदा। मेरे खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा मुहिम के मंसूबा साज अपना वक्त और तवानाही किसी और काम में सर्व करें। ख्वाजा साद रफी का ट्वीट, कहा वो ना मुश्तैल होंगे और ना ही खामोश। इस्लामाबाद में सी पैक की वजारती कमेटी का इजलास, चारों सूबों और आजाद कश्मीर के नुमाइंदे और चीनी हुकाम भी शरीक। आजम शाहिद खाकान अब्बासी और चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चीन पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त है, खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक का नुक्ता नजर एक है। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 16 गैर मुल्कियों समेत 18 अफराद बाजियाब। कार्रवाई में दो मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असला बरामद।